हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन शिक्षा। तो जैसे कि आपको पता है कि केवीएस जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसकी वैकेंसी आ चुकी है, जो कि आपकी वैकेंसी टोटल है वो है 11,000। कितना? 11,000 टोटल आपकी वैकेंसीज है, जो कि आपके हर डिपार्टमेंट में अलग अलग हुई। प्राइमरी में अलग है, टीजीटी पीजीटी में अलग अलग वैकेंसीज है। तो उसके सिलेबस क्या है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसमें पता चलेगा आपको कि क्या क्या सिलेबस किस किस में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम पैटर्न, मतलब जो प्राइमरी स्तर पर जो शिक्षा है, जो प्राइमरी मतलब जो प्राइमरी पे आपका जो सिलेबस है वह क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, जो पीआरटी है इसमें जो आपको 180 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे, जो कि आपका समय रहेगा वह रहेगा 3 घंटे, मतलब 180 मिनट भी रहेंगे, मतलब आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट देना। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसके सिलेबस क्या है उसके बारे में देखते हैं। जो कि देखिए, यह है आपका 1 से 5 तक क्लास में रहेगा, 1 से कक्षा 5 तक की कक्षा जो सिलेबस है उसमें रहेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो आपका है सिलेबस वह है सामान्य हिंदी, जो कि 10 मार्क्स के रहेंगे। टोटल आपके प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 10 रहेगी, जो कि 10 मार्क्स के रहेंगे। सामान्य अंग्रेजी, जो कि 1 से 5 तक की जो कक्षा में पढ़ाया जाता है उसके बारे में पूछा जाएगा। सामान्य अंग्रेजी में जो भी 10 क्वेश्चन रहेंगे वो भी 10 मार्क्स का रहेगा। एंड सेकेंड आपका आता है सामान्य जागरूकता एंड करंट अफेयर, मतलब कि रीजनिंग और जीके जीएस, वो भी आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग रहेगा इसमें 5 मार्क्स का, जो कि आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। एंड कंप्यूटर, जो कि आपका सब्जेक्ट एक रहेगा कंप्यूटर्स, वो भी 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के। तो ये टोटल हो गए आपके 40। नेक्स्ट क्या है आपका शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण, मतलब कि ये आपका पूछा जाएगा चाइल्ड डेवलपमेंट CDP से, और ये क्या बोल सकते हैं पेडोलॉजी से, ये सब पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के लिए, जो कि आपके 60 मार्क्स के रहेंगे 60 क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट फोर्थ रहेगा आपका संबंधित विषय, जैसे अगर आपने जो भी जैसे साइंस है तो आपका साइंस के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, और अगर आप सोशल साइंस है तो सोशल साइंस के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो ये टोटल रहेगा 80 क्वेश्चन, जो कि 80 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल जो आपका क्वेश्चन रहेगा 180 मार्क्स का रहेगा, 180 प्रश्न रहेंगे और 180 मिनट रहेंगे, मतलब 180। ये आपको फॉर्मूला लगाना है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स 1 मिनट पे आधारित है ये केवीएस पीआरटी, मतलब प्राइमरी लेवल का। नेक्स्ट है आपका पीजीटी, जो कि ये आप देखिए पीजीटी में भी सेम वैसे ही क्वेश्चन रहेंगे। इसमें क्या है, आपको निगेटिव मार्क्स नहीं रहेंगे, और इसमें जो आपके सब्जेक्ट है वो रहेंगे सेम वही रहेगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। 10 मार्क्स का आपका हिंदी रहेगा, 10 मार्क्स का अंग्रेजी रहेगा, 10 मार्क्स का करंट अफेयर जीके जीएस रहेगा, 5 मार्क्स का रीजनिंग रहेगा, 5 मार्क्स का कंप्यूटर रहेगा साक्षरता, और जो कि आपका 60 मार्क्स का रहेगा वह रहेगा शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण, मतलब शिक्षा मतलब CDP और चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ये टोटल जो रहेगा 60 मार्क्स का रहेगा। एंड संबंधित विषय, जो आपके अगर साइंस है तो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, अगर आप SST हैं सोशल साइंस है तो आपके सोशल साइंस के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आपके रहेंगे टोटल 180 मार्क्स के। नेक्स्ट है आपका TGT KVS TGT एग्जाम पैटर्न, जो कि आपके सेम वही रहेंगे, बट इसमें क्या कुछ थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। देखिए, ये आपके रहेंगे हिंदी जो रहेगा वो रहेगा 10 मार्क्स का, सामान्य अंग्रेजी 10 मार्क्स का, इसमें जो जागरूकता है वो 5 मार्क्स का रहेगा, और रीजनिंग जो रहेगा वो भी 5 मार्क्स का, कंप्यूटर साक्षरता 5 मार्क्स का। तो ये हो जाएंगे टोटल आपके 40, ये आपके 60 और ये आपके 80, तो यहाँ पे 180 आएगा टोटल में, यहाँ पे 180 रहेंगे। सेम वही पैटर्न्स है जिसमें जो कि सब में है। नेक्स्ट है आपका इसमें देखिए संगीत, जो अगर आप संगीत से हैं पीआरटी में, जो कि आपके 1 से लेकर 5 तक है, अगर आपका संगीत जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है, तो ये इसमें रहेगा इसमें रहेंगे आपके, इसमें कुछ चेंजेस है आपके। देखिए, अगर आप संगीत के हैं तो ये केवल पीआरटी संगीत शिक्षकों के लिए क्या है, संगीत में सामान्य क्षमता और जांच की
ज्ञान की जांच की जाएगी, जिसमें कि जो कि उम्मीदवार जो कैंडिडेट रहेंगे उनके संगीत पर क्या होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जैसे सामान्य हिंदी रहेगा 10 मार्क्स का, अंग्रेजी रहेगा 10 मार्क्स का, और सामान्य जीके जो रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग भी 10 मार्क्स का रहेगा, कंप्यूटर साक्षरता 10 मार्क्स। इसमें जो आपका रहेगा वो जिसमें इसमें जो नहीं रहेगा वो रहेगा आपका बच्चों से जो रिलेटेड था CDP और चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडोलॉजी, ये नहीं रहेगा। इसमें आपको संबंधित विषय रहेंगे जो कि आपके जो भी आपने संबंधित विषय लिया है, जो भी आपका संगीत का जो भी रहेगा उससे पूछा जाएगा आपको 100 क्वेश्चन, जो कि वह रहेंगे 80 मार्क्स के। आपको जो कि 100 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से 80 मार्क्स के ये रहेंगे, तो टोटल आपका रहेगा 150 मार्क्स का जो रहेगा KVS PRT संगीत टीचर्स में। नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरियन। अगर आप लाइब्रेरियन एज अ लाइब्रेरियन ज्वाइन करना चाहते हैं KVS में, तो उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो है सामान्य हिंदी जो कि आपके 10 मार्क्स के रहेंगे, सामान्य अंग्रेजी 10 मार्क्स के रहेंगे, एंड सामान्य जागरूकता जो है भी वो भी 10 मार्क्स के रहेंगे और 10 नंबर के रहेंगे। रीजनिंग 10 मार्क्स के रहेगा जो कि रीजनिंग में 10 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 5 मार्क्स के रहेंगे, एंड कंप्यूटर साक्षरता में भी 10 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 5 मार्क्स के रहेंगे, एंड संबंधित विषय जैसे आपने लाइब्रेरियन का कोर्स किया या लाइब्रेरियन का जो भी रहेगा वो भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा, तो वो 80 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहेंगे 80 मार्क्स के लिए, तो टोटल आपका रहेगा 150 क्वेश्चंस। ये हमारा YouTube चैनल है एजुकेशन शिक्षा 1 मिलियन, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और KVS का कोई भी तैयारी करने के लिए जुड़िए हमारे चैनल एजुकेशन शिक्षा 1 मिलियन से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।